क्यों है? आज मुस्तकी मेरे हाथ का बना हुआ केक खा के कहेंगे, डॉली तुम भी ना, इतना अच्छा केक तो मैंने कभी जिंदगी में खाया ही नहीं। मुस्तकी खाते भी कैसे, आज केक मैंने पहली बार जो बनाया है। डॉली जी। अरे डॉली, ये स्मेल किस चीज की है, जलने की है? नहीं तो, ये तो मेरे केक की खुशबू है मुस्तकीम, डिफरेंट है ना। अच्छा, अगर ये खुशबू है ना तो फिर तो डिफरेंट है, लेकिन अगर ये जलने की है तो जलने की तो ऐसी होती है। नहीं नहीं, अब आपको क्या पता, खाया है नहीं पहले कह रहे। इसके कलर को क्या हुआ है? मैंने तो चीज केक बनाया था व्हाइट, ये ब्राउन कैसे हो गया? ये खुद ब खुद ही चॉकलेट केक बन गया है। अरे वाह डॉली, तुम तो जीनियस हो। ये देखिए मुस्तकीम, ये देखिए मैंने क्या बनाया। अरे जब बनाने वाले को नहीं पता तो मुझे क्या पता होगा। मैंने चीज केक बनाया था लेकिन चॉकलेट केक बन गया। वैसे दुनिया में बड़ी बड़ी डिस्कवरीज ना इत्तेफाक से ही होती हैं। अच्छा तो ये कोई डिस्कवरी है? आर यू श्योर ये केक जला नहीं है? ये जला हुआ बिल्कुल भी नहीं है, बहुत मजे का है। तुमने खाया? मैंने बनाने से पहले टेस्ट किया था। आपको काट के दूं? हाँ बस बिल्कुल थोड़ा सा, इतना सा। अच्छा पकड़े ना, हेल्प कर, मैं भी काटती हूँ, हेल्प करे ना। अरे डॉली तुम छोड़ दो, मैं काट लूंगा, तुम मेरे लिए कॉफी ले आओ। क्या बनाया ये? ओह माय गॉड। पीमी साहब तुम्हें पता है आज मैंने ऑटोमेटिक चॉकलेट केक बनाया है। ऑटोमेटिक मतलब कि आप कोई और केक बना रहे हो और ऑटोमेटिकली चॉकलेट केक बन जाए। हाँ मुस्तकीम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बेमिसाल, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। कि बाय। क्या चीज है ये, क्या क्या? अरे 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 रुक जाए, ये क्या कर रहे हैं मेरे केक के साथ? अरे इसे तोड़ने की मतलब काटने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में टूट जाए, मतलब कट जाएगा वो। ये बाहर से थोड़ा हार्ड है, अंदर से बहुत सॉफ्ट है। रियली? हाँ बस जरा कट जाए फिर। वैसे डॉली एक बात बताओ, तुमने इसमें बेकिंग सोडा की जगह बेकिंग सीमेंट तो नहीं डाल दिया? बेकिंग सीमेंट है? आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? मैं नहीं, केक मजाक कर रहा है। असल में ना क्या करते हैं, इसे अभी ऐसे ही रहने देते हैं, शाम में ना मैं इलेक्ट्रिक कटर लेकर आऊंगा, उससे काटेंगे इसे। और मैं उसे भी लेता आऊंगा, क्या नाम है, टिकटिकी को। टिकटिकी क्यों भाई, किसी ने केक खाना भी तो है ना। मेरा केक इतना बुरा है कि आप इसको खिलाने के लिए मुलाजिम को लेके आएंगे? अरे नहीं नहीं, बहुत ही मजे का होगा, बस कट जाए। मैं लेके आती हूँ ना काट के। एक मिनट, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। मुझे एक मिनट, ये डंडा उठा ले। अच्छा ना सॉलिड केक है। ऐसे लोग ऐसे, ये देखो कैंडल भी लग गई लोहे की। स्पॉन्ज केक में हवा बहुत होती है ना, सॉलिड केक है, सॉलिड। इस पे आग लगा दे। एकदम बेकार है ये। मुस्तकीम को मैं कोई और केक बना देती हूँ। हाँ ये बेकार है। अरे डॉली क्या हुआ? वो मेरा केक। जितनी तकलीफ से कोई चीखा है, लगता है उसने तुम्हारा केक खा लिया। नहीं नहीं खाया नहीं, मेरा केक किसी के ऊपर गिर गया। क्या कह रही हो? निशा आपने इतनी जोर की ईंट मारी, मेरा सर पट गया। अरे वो ईंट नहीं थी, डॉली ने केक बनाया था, वो गिरा होगा। शुक्र है मेरी जान बच गई, वरना पहली बार केक के ऊपर दफा 300 तो लग जानी थी। आइंदा सॉफ्ट बनाना। केक तो बहुत सॉफ्ट है ऐसे। पंजे के टिक्के, चिकन शाश्लिक, चिकन आधा किलो, अदरक लहसुन। डॉली हाय। डॉली ये तुम क्या कर रही हो? डॉली इतनी सारी कुक बुक्स किस लिए? ये वो केक का हादसा हुआ था ना, तो मुस्तकीम ने मुझे गिफ्ट किए सारी बुक्स। अच्छा, और ये वाली? ये वो उस दिन मैंने भिखारी को अपने हाथ का बना हुआ खाना दिया था ना, तो अगले दिन मेरे लिए कुक बुक लेके आया। अच्छा कमाल है। नहीं यहाँ तो नहीं, अपने घर पे होगा कमाल। तुम्हें पता है शादी के बाद जब मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी ना, तो अंदेशा खुद कम खाता था और मुझे ज्यादा खिलाता था, लेकिन अब वो सारा का सारा खा जाता और मुझे कुछ भी नहीं खिलाता। उसका प्यार कम हो गया होगा ना? नहीं, मैं कुकिंग अब बेहतर करती हूँ, पहले बुरी करती थी ना, इसलिए मुझे ज्यादा खिलाता था। तुम भी सीख लोगी?
बेबी साहब, ये जो टीवी पे फेमस शेफ्स कुकिंग करते हैं, मैं उन जैसा खाना बनाना सीख सकती हूँ? आइडिया डॉली, मेरा कजन है ना शेफ बेजार, वो आ जाएगा, तुम्हें सिखा देगा, तुम टेंशन नहीं लो। है? Really? कितना एंजॉय किया ना यार हमने। वैसे बेक सेल में ना सबको हमारा केक बहुत ही पसंद आया। मैं बात तो सही है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाँ, डॉक्टरों के अलावा हर कोई प्रैक्टिस से परफेक्ट हो जाता है, डॉक्टर्स नहीं, इसलिए वो सारी जिंदगी प्रैक्टिस करते रहते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। तुम देखना, हमारा केक ना सबको पसंद आएगा बेक सेल में। हाँ, तो मुस्तकीम को भी मेरे केक बहुत पसंद आने लगे। सच्ची? डॉली, डॉली, कल मेरी 10वीं एनिवर्सरी है, तुमने आना है। ये लो, ये तुम्हारा था, और बेमिसाल ये तुम्हारा। मैं बहुत खुश हूँ। खुश होना भी चाहिए, 10 साल बाद भी अगर हस्बैंड को मैरिज एनिवर्सरी याद हो तो सेलिब्रेशन तो जरूर होनी चाहिए। इस बार तो मैंने केकड़े से साफ कह दिया है कि हीरे की अंगूठी से कम पे तो बात बनेगी ही नहीं। तो तुम हीरे की अंगूठी की बात से ही खुश हो जाती हो? जी नहीं, उन्होंने मेरे लिए खरीद ली है, मैं देख चुकी हूँ। ये कौन सी बड़ी बात है, मेरी मैरिज एनिवर्सरी पे मुस्तकीम ने भी मुझे इतने बड़े हीरे की अंगूठी दी। ये तो सिर्फ अंगूठी है, हीरा कहाँ है? कहीं मुस्तकीम भाई ने ये तो नहीं बोला था कि इसमें हीरा खुद डलवा लेना? क्या मतलब? हीरा कहाँ गया? अच्छा मैं चलूं, सोसाइटी की बाकी खवातीन को भी कार्ड देना है, आइएगा जरूर। कहाँ गया? सुनो, जब मैं केक मिक्स कर रही थी तो डॉली, तुम्हें तो अपना केक लाने के लिए कहा था। वो हमारा चॉकलेट केक था ना, तो उन्होंने सारे केक एक ऐसे बॉक्स में पैक कर दिए थे, तो मैं सारे चॉकलेट केक खरीद के ले आई। अल्लाह करे कि डायमंड मिल जाए, लेकिन ढूंढेंगे कैसे? हम ऐसा करते हैं कि सारे केक खा लेते हैं, 2 दिन खाना नहीं खाएंगे। हाँ। नहीं, लेकिन अगर हमने गलती से डायमंड जो है वो बादाम समझ के खा लिया, फिर क्या होगा? आइडिया? क्या? देखो ठीक से। अरे ये सब क्या है, इतने सारे केक? वो असल में हमने सारे ये केक्स खरीदे थे चैरिटी करने के लिए। हाँ। अच्छा काम है ना? हाँ, काम तो अच्छा, लेकिन जो तुम लोग कर रहे हो ना वो अच्छा काम नहीं है। क्या ढूंढ रहे हो वैसे? वो हम लोग कुछ भी नहीं ढूंढ रहे, वो हमने सोचा कि ये सारे केक्स को मिला के हम एक बम्पर केक बनाते हैं। yes. ताकि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बने और फिर हम उसको चैरिटी कर देंगे। वैसे बड़ा ही अजीब सा आइडिया है। है ना मुस्तकीम भाई, डॉली के आइडिया ना वैसे होते भी बिल्कुल हटके हैं, एकदम ब्रांड न्यू है ना डॉली? रियली? डॉली, इन सारे केक्स में डायमंड नहीं है। याद आया, सोसाइटी के चेयरमैन केकड़ा ने बताया था कि चॉकलेट के 11 केक्स थे। अच्छा। लेकिन ये तो सिर्फ 10 है, हमने सिर्फ 10 केक कुछ ले हैं, तो 11वां कहाँ गया? हाय, किसी ने खा तो नहीं लिया है? नहीं, हीरा तो चाटने से इंसान मर जाता है, अगर खाता तो तक ऐलान हो चुका होता सोसाइटी की मस्जिद में। हाँ, कि चैरिटी का केक खा के आज एक बंदा मर गया है ना, लेकिन ये 11वां केक है कहाँ? केकड़ा साहब, आपके पास खुद आए, वेरी मच इम्प्रेस्ड, आप लोगों की मेहनत की वजह से बेक सेल हिट हो गया, इसलिए बजाते खुद हम शुक्रिया अदा करने हैं। यू वेलकम। शुक्रिया। मुस्तकीम की हाल है? बस ये दुआएं आपकी। मैंने तक किसी को दुआ दी नहीं, आपको मालूम है आपकी मसल्स का केक चॉकलेट वाला सबसे हिट आइटम था और सबसे महंगा बिका, मैंने पहले ही अपनी एनिवर्सरी के लिए लॉक कर लिया था। क्या? नाशपाती आपका कार्ड ड्रॉप कर गई, आप सबने आना है, अच्छी तरह याद रखे, मैं चलता हूँ। वो केकड़े साहब, एक मिनट, वो केक अगर मैं दोबारा खरीदना चाहूँ तो? हरगज नहीं, केकड़े साहब का वो पसंद आ गया। लेकिन वो केक तो सेल के लिए था ही नहीं, मुझे वो वापस चाहिए। हाँ। वेरी सॉरी, अब नहीं हो सकता। अरे डॉली, क्या हो गया तुम्हें, उस केक में क्या कोई हीरा लगा हुआ था? नहीं, इसका मतलब है कि डॉली जो है ना वो केकड़ा से केक खरीद के उसे गिफ्ट करना चाह रही थी, है ना डॉली? हाँ। बेमिसाल, मुझे हर हालत में वो केक चाहिए। तो ठीक है ना, कल उनकी एनिवर्सरी है ना, तो जिस वक्त वो केक काटेंगे हम वहाँ मौजूद होंगे।
लेकिन हमें जो छोटे छोटे वो केक के स्लाइस मिलेंगे, जरूरी तो नहीं कि उसमें हीरा हो। तो फिर इस प्रॉब्लम का ना एक ही सलूशन, हम उनके घर से केक चोरी कर लेते हैं। अरे वाह बेमिसाल, तुम तो मेरे साथ रहते रहते बहुत स्मार्ट हो गई हो। रात को चलेंगे। हाँ केक तो है ही नहीं फ्रिज में, शायद अलमारी में हो क्योंकि उसमें हीरा है। अरे उनको थोड़ी पता केक के अंदर हीरा, जो अलमारी में रखेंगे। जी बात कर, अभी जग जाग रही है बेगम। ए बेगम, लेकिन ये केकड़ा अपनी बीवी को क्यों बुला रहा है? मुझे लग रहा है तुम्हें बेगम समझ के आवाज दे रहा है। बेगम जी, जी है? क्या कहा? फिर से कहना जी। भाई वाह, बड़ी ताकत है हीरे में। हीरे के अंगूठी का सुनते ही मुझे जी करने लगी। आपने मुझे जी का? हाँ जी। मुझे जी का, थैंक यू केकड़ा, खुश हुआ। बेगम एक कप चाय बना दीजिएगा। जी जी बनाती हूँ। वाह केकड़े साहब, एक अंगूठी दिलाने से बीवी जी जी करने लगे तो साल की एक अंगूठी तो दिला दो। चाय। ये अदा, ये नाज, ये अंदाज आपका, ओ वाह वाह, बिस्मिल्लाह, ओ धीरे धीरे आपका बहाना बन गया, वाह 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 वाह। ये अदा, ये नाज, ये अंदाज आपका, धीरे धीरे आपका। क्या हो गया? गाने क्यों गुनगुना रहे हो तुम? अल्लाह गुनगुना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आई जल गया कि आप अभी तो बाहर थी, आपने अभी अपने हाथों से मुझे चाय दिया। क्या पागल तो नहीं हो गए हो? अगर मैं इस वक्त जाग भी रही होती ना, तब भी तुम्हारे लिए चाय नहीं बनाती। बेगम मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ, अभी आपने अपने हाथों से मुझे दिया ये। पागल हो गए हो तुम? कपड़ों से फौरन चाय के दाग धो, वरना पक्के हो जाएंगे। और अंदर वाले दाग दाग आए। सवाल एक पैदा होता है, अगर ये यहाँ पर लेटी है तो वहां जी जी कौन कर रहा था? चक्कर क्या है? मतलब वो कौन था जिसने मुझको चाय दी? ये यार वो कोई चोर नहीं, अगर चोर होता कहीं तो मुझे चाय क्यों बना के देता? चक्कर क्या मालूम करना पड़ेगा। तुम देखते जाके किन चक्रों में घूम रहा है, अभी जाके देखती हूँ। शुक्र है टॉली केक मिल गया। रुक जाए, कौन है तुम? कौन वो? बेगम। बेगम? मेरी बेगम? अच्छा, बेगम के बच्चे मुझे रातों को जल्दी सुला के तुम यहाँ पे रात को बेगम ही बुलाते हो। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आप गलत समझ रही है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। पकड़े जाने पर सारे खावन यही कहते हैं, कौन थी वो? अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम मैं कौन थी वो। आज या तो तुम्हें मार दूंगी या खुद को बेवा कर दूंगी, लेकिन पता करके रहूंगी आखिर थी कौन वो जिसको तुम बेगम कह रहे थे। बेगम आप समझ नहीं रही है, मेरी बेगम कैसे हो सकती है? आगे से जब मैंने उसको बुलाया उसने कहा जी, मेरी बेगम जी नहीं कहती। तुम्हें पता है ना कि मेरे चार भाई हैं और उनमें से दो पहलवान हैं, अब तू नहीं बचेगा केकड़े। बेगम बाज 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 बेगम 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 बाज। तो मुस्तकीम को पता चलेगा कि मैंने इतना कीमती हीरा गुमा दिया, वो बहुत गुस्सा होंगे। तुमने जानबूझ के थोड़ी किया था, देखो फिर से यही होना चाहिए, होना चाहिए यहीं पर, यहीं पर कहीं होगा, देखना तुम। ये क्या है? तो चॉकलेट है। मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं तुम्हारे पास? अरे ये इतनी रात को तुम लोग क्या कर रहे हो? हीरा ढूंढ रहे हैं यार। नहीं, 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 पता नहीं।
सॉरी वो एक्चुअली हम वो दिन के वक्त भी तुम लोगों ने केक्स का यही हशर किया था। सच बताओ डॉली, क्या ढूंढ रही हो? वो असल में बता देते, वो मेरी जो अंगूठी का हीरा था ना, वो गुम गया, कीमती वाला। क्या कह रही हो, वो इतना कीमती हीरा तुमने घुमा दिया? डॉली तुम भी ना। डॉली कहाँ चली गई? कहीं सोई भी है या नहीं? डॉली, डॉली रात के वक्त क्या कर रही हो तुम? हीरा ढूंढ रही हूँ, शायद कचरे में चला गया हो। अरे एक तो चीज जो गुमनी थी गुम गई ना, तुम सर पर सवार क्यों कर लेती हो? हाँ याद आया, आज मैं सोसाइटी के ऑफिस गई थी ना केक लेके, शायद वहां घर आई हूँ। देखो जो होना था हो गया, अब हाथ धो और जाकर सो जाओ। अच्छा आई डॉली, तुम भी ना। सुबह सुबह है आप कौन? मैं केकड़ा। अरे क्या हुआ केकड़े साहब, क्या हुआ ये बताइए? आपके चार छाले हैं? नहीं। उनमें से दो पहलवान? अरे नहीं भाई। तो आप नहीं समझ सकते मेरे साथ हुआ क्या? और मैं ये वजह बताने आया हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या। अरे आपने मुझे इतनी सुबह सुबह वजह बताने के लिए उठा दिया, बाद में बता देते। मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे घर पे रात को केक चुराने आपकी बेगम और बेमिसाल मेरे घर आए, मैंने सीसीटीवी फुटेज में खुद देखा है। अब मैं आपको बताता हूँ इधर मेरी बेगम क्या समझ रही है, मैंने गर्लफ्रेंड बुलाई हुई है। डॉली इधर आओ। ये फ्रैक्चर्ड इंसान जो है ना, ये केकड़े साहब है, तुम्हारी वजह से इनकी बीवी ने इनका ये हाल कर दिया। ये तो शिकर करे मुझे गुस्सा नहीं आया, वरना आप लोग सोसाइटी से बाहर थे। हम वहाँ चोरी करने नहीं गए थे, बल्कि चेक करने गए थे कि उसमें हीरा है कि नहीं। अरे केकड़े साहब मुझे माफी दे दें, असल में ना मेरी बीवी का दिमाग नहीं चल रहा। मैं बड़ी मुश्किल से गुस्सा ला रहा था, लेकिन आपने माफी मांग ली, गुस्सा गया। मुझे पता है हीरा गुम होने की वजह से परेशान है। अरे मैं हीरे की वजह से परेशान नहीं हूँ, उसे ढूंढने के लिए जो तुम पागलों जैसी हरकतें कर रही हो ना, उस वजह से परेशान हूँ मैं। मेरी किस्मत ही बुरी है, इतना कीमती हीरा मैंने गुमा दिया। रोने की क्या जरूरत है, अब इतना कीमती भी नहीं था, नकली था। वो हीरा नकली था? आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। बेमिसाल नाशपाती केकड़ा क्या सोचेंगे कि डॉली के मियां ने उसको नकली हीरा दिया। आई डोंट लाइक यू, I will never speak to you. नकली हीरा देने वाले? अरे भाई इसको नॉर्मल करने के लिए मैंने इतने कीमती हीरे को नकली बोल दिया, और ये बजाय नॉर्मल होने के अब नॉर्मल हो गए। कमाल है डॉली, तुम भी ना। यही है वो नकली हीरा जिसको मैं पागलों की तरह ढूंढ रही थी। तुम्हारी जगह तो कचरे में है, आओ मेरे साथ। मुस्तकीम आएंगे, मेरे लिए नया हीरा लाएंगे। डॉली, 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 क्या हुआ? डॉली सुना है तुम्हारा कीमती हीरा गुम हो गया? नहीं, मुस्तकीम ने कहा है कि वो मुझे असली वाला लाके देंगे। क्या मतलब, वो वाला डायमंड नकली था? नहीं, वो भी असली था, लेकिन अब ज्यादा असली वाला लेके आएंगे। ओ, इनको पता ना लग जाए कि मैं अब नकली हीरा लाया हूँ। डॉली तुम्हारी अंगूठी में असली हीरा लगवा दिया, दिखाओ। हाँ हाँ असली है, असली है, मैं भी बेमिसाल को बिल्कुल ऐसा हीरा दूंगा। कंग्रेचुलेशंस डॉली। थैंक यू मुस्तकीम, आप मेरे लिए असली वाला हीरा लेके आए। अच्छा मजे की बात ये है कि वो नकली वाला हीरा भी मिल गया। हे काए, वो तो मैंने कचरे में फेंक दिया। क्या कह रही हो डॉली, वही तो असली था। डॉली डार्लिंग।